भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने की नाव की सवारी, भाजपा को लगा जबरदस्त झटका। जी आपको पता चले कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केरल के चेरिया कलावूर में स्थानीय नाविकों के साथ राहुल गांधी नाव चलाते हुए नजर आए, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। खुद कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने बोट रेस में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 12वें दिन की शुरुआत करने से पहले सोमवार को तड़के वटकल समुद्र तट पर मछुआरा समुदाय से बातचीत की। इस दौरान ईंधन के बढ़ते दामों, सब्सिडी में कटौती, होते मत्स्य भंडार और पर्यावरण को हो रहे नुकसान सहित विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, राहुल गांधी ने ईंधन की बढ़ती कीमतों, सब्सिडी में कटौती, कम होते मत्स्य भंडार, पेंशन न मिलने, शिक्षा के अपर्याप्त अवसरों और पर्यावरण को हो रहे नुकसान संबंधी चुनौतियों पर सुबह 6 बजे अलाप पूजा के वटकल समुद्र तट पर मछुआरा समुदाय से बातचीत की भारत जोड़ो यात्रा। बताया चले कि कांग्रेस की 3570 किलोमीटर 150 दिन लंबी पद यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जम्मू कश्मीर में संपन्न होगी। भारत जोड़ो यात्रा 10 सितंबर की शाम को केरल पहुंची थी और यह 1 अक्टूबर को कर्नाटक पहुंचने से पहले 19 दिनों में केरल के 7 जिलों से गुजरते हुए 450 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। लेकिन जिस तरह से आज राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं है, वो हर चुनौतियों का सामना करने को तैयार है और डटकर करने वाले हैं। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते हैं और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।